क्या दुनिया भर में पैर पसार रहा है वामपंथ? क्या सुधरेंगे श्रीलंका के हालात? कितने साल बाद श्रीलंका में हुई वामपंथ की वापसी? नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आ गया है और श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में ये पहली बार हुआ है कि किसी वामपंथी दल को जीत मिली है। इस जीत के साथ श्रीलंका को अपना नया राष्ट्रपति भी मिल गया। सोमवार सुबह अनुरा कुमार दिसानायके ने देश के नौवें राष्ट्रपति के लिए शपथ ली और रविवार को ही मतगणना में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिनिधि समहागी जन बालविग्या पार्टी SJP के साजित प्रेमदासा को हराया। आपको बता कि दिसानायक का मार्क्सवादी जनता विमुक्त पैरामुना पार्टी JVP के गठबंधन मोर्चे नेशनल पीपल पावर NPP की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए थे। रविवार को ही मतगणना के पहले फेज में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट लेने में कामयाब नहीं हो पाया था और इसी जिसके बाद चुनाव दूसरे प्रेफरेंस दौर में चला गया और इसकी गिनती के बाद से ही दिसानायक देश के राष्ट्रपति चुने गए। श्रीलंका की जनता को ये उम्मीद है कि वह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करने का कार्य करेंगे। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान दिसानायके ने खुद एक उदारवादी और बदलाव के लिए अग्रसर नेता के तौर पर पेश किया है और 56 साल के अनुरा कुमार दिसानायके को चीफ जस्टिस जयनाथ जयसूर्या ने शपथ दिलवाई। दिसानायके श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से सांसद हैं और वामपंथी विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं और देश की वामपंथी पार्टी जनता विमुक्त पैरामुना पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। वो 2019 में भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुके हैं और 2015 और 18 तक मुख्य विपक्षी सचेतक भी रहे। आपको बताएं कि देश को कर्जे से बाहर निकालने और भ्रष्टाचार कम करने को लेकर दिसानायके ने प्रचार के दौरान अपनी नीतियों को जनता के सामने रखा और चुनाव में जीत मिलने के बाद दिसानायके ने एक्स पर ये लिखा है कि सदियों से हमने जो सपना देखा था वो आखिरकार अब जाकर साकार हो रहा है और ये जीत किसी एक व्यक्ति के काम का नतीजा नहीं है बल्कि आप लोगों की मेहनत और सामूहिक प्रयास का नतीजा है। आपकी प्रतिबद्धता से हमें यहाँ तक पहुँचाया है और इसके लिए हम आपके बेपनाह आभारी हैं। सोमवार को ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा देश में सत्ता परिवर्तन के बदलाव के लिए दिया गया। दिसानायके के शपथ ग्रहण समारोह से पहले PM ने इस्तीफा देते हुए कहा कि पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि नए राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है और वो जल्द ही नए मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी करेंगे। 75 साल के गुणवर्धने ने जुलाई 2022 से प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल 2 साल से कुछ महीने ही रहा है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि श्रीलंका में जिस तरह से अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नए राष्ट्रपति श्रीलंका को किस तरह से आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं और दुनिया में श्रीलंका की बात किस तरह से रखते दिखाई देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।